आज की वीडियो में बात करूंगा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कैसे करें। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आसानी से यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गूगल पे से एसबीआई के क्रेडिट कार्ड यानी कि वीजा का क्रेडिट कार्ड लिंक करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे ओपन कीजिए। तो चलिए मैं गूगल पे ढूंढ लेता हूँ किधर है। ये रहा देखिए गूगल पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं 4 डिजिट का पिन डालकर लॉगिन हो जाता हूँ। क्रेडिट कार्ड लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखिए 4 बैंक अकाउंट हमारा पहले से लिंक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पेज बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कार्ड को स्कैन कीजिए या इंटर डिटेल्स मैन्युअली पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ कार्ड नंबर। यहाँ पर देखिए मैं कार्ड नंबर एंटर कर लिया हूँ। अब हमें एक्सपायरी डेट इंटर करना है। यहाँ पर देखिए सीवीवी नंबर टाइप करना है जो कार्ड के बैक साइड में होता है। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस आ जाता है। आपका जो भी एड्रेस है आप सही सही मिला लेंगे। अगर पहले से आपका कार्ड ऐड है या बैंक अकाउंट ऐड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाता है। आप मैन्युअली भी दर्ज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेलीफोन नंबर दर्ज करना है। यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग योर बैंक लिखा हुआ है। यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके कनेक्टिंग योर बैंक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कार्ड वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए 2 माध्यम है, एक ईमेल है, एक मोबाइल नंबर है। पहले से टिक है मोबाइल नंबर पर तो मैं टिक रहने देता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ, नो थैंक्स करता हूँ। आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड प्राप्त होगा, उस कोड को यहाँ पर दर्ज करना है। कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए टर्न इट ऑन एनएफसी कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं लेटर कर देता हूँ। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से पिन मांगा जा रहा है तो मैं पिन दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक कार्ड लिंक हो गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। चलिए मैं पेमेंट करके मैं देखता हूँ कि पेमेंट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं रिचार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मोबाइल रिचार्ज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एक कोई नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मैं रिचार्ज करने वाला हूँ। हमारे पास ये नंबर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं 155 रुपये का प्लान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर तीर पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से बैंक डिटेल या कार्ड हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्रेडिट कार्ड जो लिंक किया हूँ उस पर मैं क्लिक करता हूँ। पे के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से परमिशन दे देता हूँ ओटीपी के लिए। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट हो गया है आसानी से। यहाँ पर मैं पेमेंट कर चुका हूँ। यहाँ से देखिए क्रेडिट कार्ड से बैलेंस भी कट हो गया है। इस तरह से आप आसानी से लिंक करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। SBI कार्ड ऐप में ओपन करके देख लेता हूँ कि आखिर कितना चार्ज मुझे देना पड़ा। यहाँ पर देखिए पहले से हमारा 6 रुपये था ड्यूज में। यहाँ पर देखिए 155 रुपये है कटा है, टोटल मिलाकर 161 रुपये हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।